एनालिसिस यानी आईएनए न्यूज की उपस्थिति आज हरोदी के प्राचीन रानीसर मंदिर में है, जहां प्राचीन शिवलिंग का यहां पर अभिषेक किया जाता है, यहां पूजा अर्चना की जाती है। और आज माँ शिवरात्रि के दिन यहां पर जो है वो भक्तों का तांता लगा है, ग्रामीण क्षेत्र से भक्त आए हुए हैं यहां पर और बड़ी संख्या में आपको दिखाने को चाहूंगा। हालांकि इस मंदिर की शोभा, इस मंदिर का जो एक नाम जो था वो लूणकर महाराज के नाम से था, जो आज शायद सुनसान नजर आ रहा है, यहाँ उनका जो है वो एक अलग ही पहचान थी, एक अलग ही उनका एक एटीट्यूड था, लेकिन सुनसान वातावरण कहीं कहीं यहाँ लोगों को दुखी जरूर कर रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भजन मंडली है, वो भजन करेगी और भगवान शिव के नाम का यहाँ अभिषेक होगा, यजमान द्वारा यहाँ अभिषेक कराया जाएगा। और यहाँ पर है, देखिए ये भजन मंडली बैठी हुई है और भजन मंडली के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर है जो भांग का घोटा कहते हैं, वो भांग घोटने का काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो है वो कहीं ना कहीं फलोदी की पहचान है, हालांकि आपने बीकानेर में भी देखा होगा, लेकिन ये फलोदी की पहचान है। और यहाँ पर भांग के घोटे के साथ ही मैं इनको कहूँगा, एक बार घोटा आप जो है वो एक बार इसको शुरू करिए। हाँ, ये लोग हैं और यहाँ पर जो है वो ऐसा, ये एक दिन का काम नहीं है कि आज शिवरात्रि है तो ही ये लोग करते होंगे, हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप लगातार यहाँ शिव मंदिर में आते हैं और क्या कुछ, कितना प्राचीन है? करीबन फलोदी से, फलोदी जब बसी थी उससे पहले ये मंदिर था, जो बुजुर्ग हमारे कहते हैं उस टाइम छोटा था। फिर यहाँ पे जो मन सिंह के उनकी लड़की में यहाँ पे ये तालाब करके इसका नाम रानी सर पानी के साथ, यहाँ शिव मंदिर में तालाब भी है, कोई जो मन्नत थी उन्होंने मन्नत मांगी, तो उन्होंने फिर मन्नत में ये बोला था कि भाई यहाँ पे तालाब, उसका नाम रानी सर उस पेटे पड़ा हुआ है कि वो राजपूतों ने इसको बनाया, और राजपूतों की यहाँ पे जो घुमटिया है वो भी है, और पुराना प्राचीन बांध पहले से मेरे हिसाब से ये हलूदी बांध से उससे पहले से हमारे बुजुर्ग बोलते थे उस टाइम से, उस टाइम से पूजा करते थे, साल हुआ। प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों का आना रहता है, यहाँ पर जो है वो भजन मंडली में भी है। और ये है कि बचपन से जो है वहाँ भगवान शिव की जो है वो आराधना, भगवान शिव की पूजा करने वाले हमारे साथ हैं, उससे हम बात करेंगे। कितने वर्षों से आप आ रहे हो? 40 साल से आ रहे हो। और ये किस तरह से, मतलब ये कहते हैं कि ये बड़ा चमत्कारी मंदिर है? हाँ, ये चमत्कारी है, जो भी आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और बड़ी श्रद्धा है लोगों की, बड़ोदी वाले गाँव की यहाँ बहुत अच्छी श्रद्धा है। बिल्कुल, यहाँ पर श्रद्धा से जुड़ा है और श्रद्धा से जुड़ा होने के कारण हम इससे पूछेंगे कि यहाँ पर जो है वो आप वर्षों से आ रहे हो और यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बाहर से और क्या कुछ इसकी आस्था का केंद्र है? मैं यहाँ 70 साल से आ रहा हूँ, हर शिवरात्रि को यहाँ आता हूँ और बढ़ोतरी हो रही है, सोमवार के दिन श्रवण के सोमवार और शिवरात्रि प्रसादी होती है, लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ घोटे को लेकर जब बात होती है तो घोटे की परिभाषा और शब्द क्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, शहर के सब लोग? पूरा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सब इधर आते हैं, प्रेम से हर जाति का, कोई ऐसी भेदभाव नहीं है, तो फलानी जाति का है वो हर जाति का पीता है यहाँ पर, यजमान आता है। पुष्करणा ब्राह्मणों का खास तौर से यहाँ आना रहता है और मैं यहाँ पे ले चलूँगा आपको एक बार और बनाऊँगा, जिसका नाम शिव है, बचपन से ही पिता और परिजनों ने उनका नाम शिव रखा। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 8-10 साल से आ रहा हूँ, भजन करता हूँ, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है फलोदी का। और आपका नाम शिव है? मेरा नाम शिव कुमार, आज मेरा जन्मदिन है, 49 का हो गया हूँ मैं। शिवरात्रि के दिन जन्मे और सत्संग में भी आए, हम इनसे बात करेंगे। आप कब से यहाँ पर हैं और क्या कुछ यहाँ का खास जो प्राचीन नाम बड़ा कैसे? से आ रहे हैं और 70 साल पहले के आदमियों से मुलाकात की, वो कह रहे थे कि राजा महाराज की टीम में से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये चमत्कार इस तरह शायद महादेव का लिंग कि 36 गांव के लोग आते हैं, यहाँ 2-2 किला भांग के घोटे होते हैं, हमारे यहाँ पर भलोदी से, ये बीकानेर से, पोखरण से 100-100 आदमी, 200-200 आदमी एक साथ बैठे उनके विजय का सेवन करते हैं और सब महादेव के गण हैं।
शहर के शिव मंदिरों में आज महाशिवरात्रि के दिन शिव के जयकारे लगे हैं। एक बार फिर से यहाँ पे लंबी कतार है और इस लंबी कतार के लिए उद्देश्य एक ही है कि लोग जैसे तैसे भगवान शिव की लिंग का दर्शन करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ये आस्था का केंद्र प्राचीन रानीसर स्थित जो मंदिर है वहाँ पर आपको मैं दिखा ले चलूँगा। ये देखिए महिलाएँ हैं और बड़ी संख्या में भक्त हैं, दूर दराज से आए हैं। और मैं आपको बताऊं महाराज लूणकर्ण जी के सुपुत्र यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि उनके बिना ये मंदिर सुना जरूर है और सुनसान लोग गमगीन माहौल में फिर भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो आसपास ही कहीं यहाँ पर है और इनके ऊपर आशीर्वाद बना रखेंगे। ये है उनके लड़के, उनके पुत्र जो आज यहाँ पर गणपति के रूप में यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। मैं यहाँ पे लोग हैं सावर सिंह जी, आप बताइए क्या कुछ यहाँ का आस्था कर लेकर क्या कुछ खास है? आज हिंदू संस्कृति और यहाँ पर जो है वो दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ आके भगवान शिव यानी रणेश्वर जो महादेव प्राचीन मंदिर है वहाँ दर्शन करते हैं। राजू व्यास, राइट न्यूज, यानी आरएनए न्यूज़।